बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत ने यह कहा था कि इससे परेशानी हो सकती है कोविड के मरीजों को, और यह बड़ा फैसला मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला सामने है। पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर लगाई रोक। हालांकि इससे पहले ही ये कहा गया था कि ऐसा फैसला लिया जा सकता है। और नरेश शर्मा हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। नरेश, मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला सामने है, पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए, फर्स्ट इंडिया ने काफी दिनों पहले इस बात के संकेत दिए थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बारे में फैसला करेंगे, और आज अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर जो कोविड की स्थिति को लेकर बैठक हुई है, उस बैठक के बाद ये तय किया गया है कि आतिशबाजी पर रोक लगाए और पटाखों की बिक्री है उस पर भी रोक लगा दी गई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ निर्देश दिए हैं कि पटाखों के विक्रय के लिए जो अस्थायी लाइसेंस दिए जाते हैं वो लाइसेंस ना दिए जाए, क्योंकि देखिए, जो पटाखों के कारण जो धुआं निकलता है उसके कारण से कोविड मरीजों पर बुरा असर पड़ता है, साथ में जो हार्ट के पेशेंट है या जो श्वास रोगी है उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की है कि वो लोगों का जीवन बचाने के लिए इस अभियान में मदद करे, और सीएम गहलोत ने साफ कहा है कि जनता के जीवन की रक्षा करना सरकार का सर्वोपरि काम है और इसके लिए फैसला किया गया है। साथ में एक बड़ा फैसला है वो ये भी हुआ है कि बिना फिटनेस के जो वाहन चलते हैं जिनसे धुआं निकलता है उनको खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक अभियान चलाकर उन वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी प्रदेश में जो धुएं के कारण जो परेशानी होती है, प्रदूषण के कारण जो परेशानी होती है उस पर अब लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि कोविड की जो प्रदेश में स्थिति है, लगातार जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, और चूंकि अब सर्दी का मौसम है और पटाखों की अगर जो धुआं होता है दिवाली के दिन, अगर हम खासकर बात करें इस मौके पर या शादी समारोह में, अन्य समारोह में, तो उसके कारण जो निकलने वाला धुआं है वो उन रोगियों के लिए सबसे बुरा असर डालने वाला होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब फैसला कर लिया है प्रदेश की जनता के हित में कि इस बार पटाखों के अस्थायी लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, यानी पटाखों की बिक्री पर और आतिशबाजी करने पर दोनों पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल। और नरेश, खबर ये भी कि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन भी रहेगा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, गृह विभाग ने इस बारे में आदेश है वो जारी कर दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ पे लॉकडाउन रखा जाए, क्योंकि आज जो मुख्यमंत्री आवास पर कोविड की स्थिति को लेकर जो समीक्षा बैठक हुई थी उस बैठक में ये फैसला किया गया है। और साथ में अगर हम बात करें कंटेनमेंट जोन के बाहर के जो क्षेत्र है उनको लिए भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं, चाहे वो स्कूल खोलने को लेके हैं, कोचिंग या कॉलेज खोलने को लेके हैं, क्योंकि देखिए जो कंटेनमेंट जोन है इसको भी अब स्थानीय स्तर पर तय किया जाएगा कि कंटेनमेंट जोन कौन से हैं वो वहां पे तय किए जाएंगे, लेकिन उसमें किसी तरह की अब गतिविधियों की इजाजत नहीं मिली जाएगी। सिर्फ जो आवश्यक सेवाओं की जो पहले से अनुमति जो सेवाएं हैं जो पहले भी लॉकडाउन के समय दी गई थी जिनमें रियायत, उन्हीं को रियायत मिलेगी, बाकी लॉकडाउन रहेगा। ये बड़ा फैसला है, गृह विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी नरेश, आगे भी पल पल की अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। बहुत छोटे से ब्रेक